लेकिन वहाँ एक, एक दिन का रूटीन बताया चले हम वी वांट टू तो गो थ्रू दैट एक दिन की रूटीन है कि फजर से पहले वो उठा देते ओके okay. और उससे पहले फिर आपसे रनिंग शुरू हो जाती है उनका एक ग्राउंड है hmm. लुक लाइक वेरी स्मॉल कि हमने का ये तो बहुत छोटा ग्राउंड है हम बड़ी आसानी से उन्होंने कुछ गैप्स में ना कंक्रीट डाला होता है okay. और वहाँ पे सांस भी आपको पता है फिर वैसी ऑक्सीजन ही आपको मिलती तो हर एक ने उन्होंने कहा जी इतने मिनट्स में इतने चक्कर लगाना सब ने कहा भाई यूँ गए यूँ आए थर्ड चक्कर में ना सब हा, हा, यार ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है वो टाइम ओवर और बहुत पीछे तो हमने कहा यार ये क्या चक्कर है फिर वो सेंटर्स में कुछ गैप्स के बाद उन्होंने कोई ऐसा कंक्रीट डाला था कि जिसमें आपको जान लगानी पड़ती थी पाँव उठाने लिए पाँव उठाने का तो उसमें फिर बार बार थोड़े वक्फे के बाद था फिर थोड़े वक्फे के बाद तो तीन चक्कर के बाद काफी वन मेरा कहना यूनस भाई कि एक और बंदा था कि जिन्होंने वो चक्कर लगाए थे अदरवाइज जितने बाकी लड़के थे डे oh. वन वो oh. वो कम्प्लीट नहीं कर सके थे वो हमें दो चार दिन लगे उसको कम्प्लीट करने के लिए फिर उसके बाद जितनी भी उनकी अंडर ट्रेनिंग आती है क्रॉलिंग आती है उसके नीचे से रस्सा पकड़ के दीवारों को फ्लांगना है फिर हर जो हमारे पुशअप्स थे वो yes. तो आर्मी का एक बंदा आपके वो बैठ जाता है विद कैमरा फ्रंट पे रख के तो जब हम पुशअप लगाने लगे तो उन्होंने कहा जवान अगर तेरी छाती ना ना लगी तो काउंट नहीं होना <laughs> तो के ना लगी पे तो हमने काउंट नहीं करना तू चाहे रो कुछ भी कर कैमरा है उसमें पकड़ा जाएगा हाँ. वो अब सारे के यार मैं चीटिंग कहाँ करूंगा बड़ा मुश्किल था और सिक्सटी सेकेंड में सिक्सटी पुशअप्स आपको वो जो लेवल आता है उसका हाँ. जब आपका टेस्ट होता है।, है तो उसमें आपको अगर एक मिनट में आप साठ करते हैं तो सौ नंबर्स मिलते हैं। okay. तो वो फिर जिस जिसने वो लगाने थे फिर वो मैंटली पर पेट था फिर उसके बाद फुटबॉल की वो बनी होती है बार उसको पकड़ के पुशअप्स थे मैनी थिंग्स के वो जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं थी तो वो वहाँ पे करनी पड़ती थी और सबसे था कि मॉर्निंग में प्लेयर्स नहीं उठता yes. बड़ी आदत सात आठ बजे उठ जाएगा अर्ली लेकिन हर रोज़ फजर की नमाज के बाद आपने उठना है उस रूटीन को बनाना है मेरे साथ था आई थॉट कि यासर शाह yeah. तो जब हम सेकंड के थर्ड डे हमने जाना था ना तो वॉशरूम भी क्रॉलिंग करके गए हमसे बाजुओं क्रॉलिंग करके जा रहे थे मतलब कि इतने आप लोग स्टिफ और इतने आकड़ गए थे कि रूममेट को कहते थे जा मेरी जगह तू बाथरूम हो नहीं ये ये भी सुनने में आया कि अगर आप डाइनिंग पे जाते हैं तो ये छुरी है ये कांटा है ये दाई साइड से उठाया है दाई ही पे आप वापस रखना अगर आपने बाई साइड पे रख दिया तो वो भी जुर्माना है नहीं नहीं वो प्लेस के साथ तो इतनी शक्ति नहीं थी हाँ। लेकिन जब मैं ये भी फनी थिंग्स है इसमें उन्होंने सेकंड के थर्ड डे हमें गर्मियाँ थी हाँ। मिल्क शेक दिया ठीक है ना मैंगो मिल्क शेक आ गया हाँ। तो वो पाँच दस मिनट में न, वो जितने भी जग थे एकदम से गायब हो गए किधर गए क्योंकि दो दो जग तो एक प्लेयर ही पी गया तो ये

सवाल यहाँ उठता है मुशी भाई पंद्रह दिन है खाली क्या ये लड़के अभी तो इम्यून होंगे पंद्रह दिन में तो मेरे ख्याल से आपकी स्टिफनेस खत्म हुई होगी और ये लड़के वापस आ जाएंगे अच्छा मेरा मेरा, मेरा मैंने कल भी प्रोग्राम बताया था एंड यू के फिटनेस जब मिसबा थे जब कप्तान थे जब हम इंग्लैंड गए थे उस पहले पहले भी लगा था तो कोच दैन तो उसका बड़ा फायदा हुआ था वैसे यू नोटॉर्मली अच्छा यो ये अब्दुलमान बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं पंद्रह दिन के लिए अंदर मुझे अभी भी मेरा मानना है हाँ। उस वक्त भी मेरा मानना था ठीक है ये फिटनेस करवा रहे हैं ये ऑक्सीजन की कमी है जो भी अब्दुलमान ने बात की आई स्टिल बिलीव दैट अपने कंफर्ट जोन से प्लेयरों को निकाल के जहाँ पे यहाँ पे प्रैक्टिस पे आ रहे हैं एनसीए में वहाँ पे चार लड़के आपका बैग उठा के लेके आ रहे हैं वहाँ पे आपको खुद सारा काम करना पड़ता है अपने कपड़ों को अपने जूतों को ठीक करना पड़ता है इट मेक यू वेन यू कम आउट कहते हैं ना अपने आप को जिसको हराना आ जाता है ना उसको कोई नहीं हरा सकता यहाँ पे इसका कवल में जो भी आपकी फिल्ड yes. ट्रेनिंग जो भी होनी है वहाँ पे अपने आप को अपने वो कहते हैं ना अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी तू मेरा ना बन सका तो ना बन अपना तो बन अपने 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 ये इस पूरे 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 में ना मुझे ये लगता है बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इट्स अ गुड इन्वायरमेंट द रीजन बिहाइंड दैट जो पाक आर्मी हमारी सिखाती है हमें वाई दे वो इसलिए सिखाती है कि वो बंदों को कंफर्ट जोन से निकाल के अनकंफर्टेबल करती है जिसको ये तरीका आ जाता है फिर मैच में फंसे फे मैच को उसको लेके किस तरह चलना है वो इंसान सीख जाता है बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट वो साहब एक मगर फिर हम करेंगे बाद में कि न्यूजीलैंड की सीरीज तक कितने लड़के फिट रहेंगे ये प्रोडिक्शन भी होनी पड़ेगी बिकॉज उसके फौरन बाद न्यूजीलैंड की सीरीज क्या बात है पीजे मीर साहब ये जो कोच की बात हो रही है काफी बात हुई है एक बात मुझे बताइएगा हम किसी भी गैर मुल्की कोच को लाते हैं उसको मुकम्मल होते हैं कि कोई भी उसके काम में टांग नहीं अड़ाता चेयरमैन भी नहीं जी नहीं फ्लां है उसने जो कह दिया वही हो ना भाई मेरे को ना हो ये इख्तियार किसी भी पाकिस्तानी कोच के पास क्यों नहीं होता क्योंकि हम अपने लोगों को अंडरमाइंड करते हैं बेसिकली हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हम बाहर वालों को वो अंग्रेजी की मैंटालिटी ग़ुलाम की मैंटालिटी के बाहर का आदमी आका कर रहेगा क्या 47 के बाद को बार का कोच आया था हमारे यही लड़के थे ना जो कि आपको टेस्ट क्रिकेट में लेके गए थे फजल महमूद एंड ऑल दैट यही लेके गए थे ना हनीफ साहब इम्तियाज इम्तियाज साहब हनीफ यू नो मुश्ताक एंड ऑल दैट तो द क्वेश्चन इज अगर हम कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं अभी बड़ी बात हो रही है फिटनेस की किसी कोच ने आपको बताया फॉरेन कोच ने कि सबसे क्या प्रॉब्लम होती है क्रिकेटर को या स्पोर्ट्समैन को खली पड़ती है ना खली क्या है क्या बताए लेक एसिड होता है आपके अंदर

Uh, यार वो दो भाई थे रोडिजियन uh, यार छोटे छोटे थे बैट्समैन सी ठक बैट्समैन साउथ अफ्रीका के नहीं नहीं रोडिजिया का था जिम्बाबी के ग्रांट 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 एंडी फ्लान एंडी एंडी मेरे साथ छोटे छोटे थे हाँ ये <laughs> चंगे पले ने चंगे पले उस वक्त छोटे थे मुशी भाई उस टाइम पे छोटे थे हाइट पे भी हाइट पे भी क्या रे उन बड़े हो गए और नहीं हर बंदा छोटा नहीं रहेंगा उन बड़े हो गए विशाल सी तो जी वो वो बड़ा क्रिकेट का मेरी नजर में वो आपके साथ हेल्थ की भी बात करता था टेक्निकल भी बात करता था एंड यू नो ही वाज वन ऑफ दोस टू क्रिकेट खेला भी ये भी हर चीज हालांकि बड़ा स्लो बैट्समैन था वो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही वाज अ कोच मेंटालिटी ही वाज अ कोच यू नो वेरी आई आई थिंक ये बहुत अच्छे अच्छा पॉइंट रेज किया ऑनेस्टली एंडी फ्लावर इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट कोच एंड वो करता है क्या है क्योंकि मैं उसके साथ 6 साल इंग्लैंड में रहा हूं मुल्तान सुल्तान में रहा हूं बहुत काम इकट्ठे किया ही इज अ गुड लिसनर और लोगों को रख के इंप्लीमेंट देता है कि ये तेरा डोमेन है तू जाने बाद में मैं तुझसे पूछ लूंगा कि चीजें क्यों ठीक नहीं हो रही सो रिस्पॉन्सिबिलिटी देके फिर उसका पूछ माइक्रो मैनेज नहीं करता। और ये ये उसके वो वो प्लेट एक हमारा बैच था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खिलाफ तो मैंने हंड्रेड बिफोर लंच किया तो उसने पहले ही मुझे पहले घंटे के अंदर मुझे कहा उसने कहा यू जस्ट कैरी ऑन एंड आई बी द स्टेयर हेड खड़ा रहा उसने शाम को जाके सौ किया लेकिन वो ये लेके चलते हैं आगे लोग हाँ। ये जो बात कर रहे हैं ना अब इंजी था ठीक कप्तान बहुत सक्सेसफुल रहा है बहुत अच्छे उसके स्टैट्स हैं और लोग सबसे ज्यादा तारीफ उस वक्त बॉ वोलमर की करते थे आप जिस प्लेयर को भी उसके दौर में क्यों था वो अच्छा ऑर्गेनाइजर था डिसिप्लिन yes. था और सब कुछ छोड़ा हुआ था इंजी के ऊपर योर कैप्टन इज द की समाइम कोचिस से भी बढ़कर कप्तान है इधर क्या होता है कि कोच कहता है कि मेरी बात सुनी जाए सबसे बड़ी पता है क्या कंसिस्टेंसी नहीं है टू बी वेरी फ्रैंकली कोई कोच आता है प्लेयरों को पता है इसने निकल जाना चेयरमैन ने बदलना उसने अपने बंदे ले आने उसने अपने बंदे ले आने आज ये जो मौका है ना मुझे बड़ी मैं बहुत अपटू हूँ हूं इस दफा hmm. कि ये मोहसिन नकवी साहब आए हैं ये अच्छे hmm. बंदे हैं ब्रेक के बाद इनशाला बात करते हैं बाद.